हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं होली के फेस्टिवल के लिए बड़कुल्ले, जिसमें हमें गोबर लिया, ये इतना ये हमने इसमें गोबर लिया। अब इसमें इतनी हम इसमें मिट्टी मिलाएंगे, सोयल, गार्डन सोयल होती है वो इसमें थोड़ी सी मिलाएंगे, जिससे कि हमें टाइट बनेंगे थोड़े से। इसको ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये घर के गाय का गोबर है, इसलिए इसमें बदबू नहीं आ रही है। इसी इस पर फैलाएंगे। तो इस पर पहले हम लकड़ी की जो हम राख बनाते हैं, गोबर की राख, वो उपले कंडे की, वो फैलाते हैं थोड़ी सी, जिससे कि उसमें नासा मिल जाएगी इसको। और इसके ऊपर हम बना बना के ऐसे ऐसे लेंगे थोड़ा सा, ऐसे दबाएंगे और फिर बीच में एक होल कर देंगे माला बनाने के लिए। ऐसे बना बना के हम इसमें रखेंगे। ये आप लकड़ी का पाटा भी ले सकते हैं, मेरे पास ये चीज़ थी तो मैंने ये ले लिया, आप लकड़ी का भी ले सकते हो। और इसको एक दिन सुखाना, एक दिन के बाद इसको फिर ऐसे पलटना है, और एक दिन तो इसको ऐसे रखना है। तो हमने जो बड़कुल्ले बनाए थे 3 दिन पहले, अब ये हमारे सूख गए हैं होली के लिए। अब हम इनकी माला बनाएंगे। ये हमने सूआ लिया और ये सूती धागा लिया। अब इसमें ऐसे करके हम इसको और फिर इनको लटका देंगे माला बना के। ऐसे करके मैं इसको पूरा डाल लेंगे। ये देखो माला बन गई है, ये हमारी माला बन गई है। पूरे जो हम बुड़कुल्ले बनाते हैं उसमें से ओड नंबर में हम घर पर रखते हैं, जैसे 3, 5, 7, तो मैंने 3 की रखी। ये पूरे के पूरे नहीं चढ़ा के आते, ये अगले साल चढ़ाएंगे हम इसको। हमें ऐसे बांध के टांग देंगे कहीं पर भी, जहाँ आपको लगे कि भाई दिखाना नहीं है कहीं, ऐसे टांग देंगे। और इसको हम ऐसे गांठ बांध के कहीं लटका देंगे धूप में, जिससे कि और अच्छे से सूख जाएंगे। जब तक होली आएगी तब तक ये अच्छे अच्छी हो जाएगी माला।